नमस्ते दोस्तों, मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय के बीए पार्ट तीन के विद्यार्थियों का हिंदी साहित्य की इस कक्षा में स्वागत है। हिंदी साहित्य में बीए पार्ट तीन के तहत हमने ये जाना कि भक्ति काल जिसके प्रमुख कवि कबीर, सूर, तुलसी आदि हैं, इन भक्त कवियों से बना यह भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। हिंदी साहित्य के इस स्वर्ण युग में जहां भक्ति पद्धति दो प्रकार से संयोज्य हुई, जैसे निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति, उसी प्रकार से निर्गुण भक्ति को पुनः दो भागों में बांटा गया। पहली राम भक्ति और दूसरी निर्गुण भक्ति को दो भागों में बांटा गया, कबीर जिसके प्रवर्तक हैं संत काव्य, और जायसी जिसके प्रमुख कवि हैं सूफी काव्य। सगुण भक्ति काव्य पुनः दो भागों में बांटा गया, जिसमें पहला था राम भक्ति काव्य तुलसी द्वारा प्रवर्तित, या तुलसी द्वारा प्रवर्तित न कहें तो भी तुलसी द्वारा अपनाया गया और बहुविख्यात किया गया, और दूसरा कृष्ण भक्ति काव्य जिसके प्रमुख कवि सूरदास, जिनका हम अध्ययन कर चुके हैं आदि थे। आज हम इसी कड़ी में तुलसीदास के कुछ पदों को समझने का प्रयास करेंगे। तुलसीदास के जिन दो पदों को हम इस वीडियो में समझेंगे, उन पदों में जैसा कि आप देख पा रहे हैं बाल लीला का वर्णन हमें दिखाई दे रहा है। तुलसी कहते हैं कि अवधेश के द्वारे सकारे गई सुत गोद ले, सुत गोद के भूपति ले निक से, अवलोक हो सोच विमोचन को ठगी सी रही जिन ठगे दिख से, तुलसी मन रंजन रंजित अंजन नैन सुखंजन जातक से, सजनी ससि में समसील उभय नव नील सरोरुह से विकसे। बाल लीला वर्णन, भगवान राम की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए तुलसी कहते हैं कि एक सखी राम के रूप को निहारती है और वो राम के रूप को निहार कर सकारे सुबह, सुबह के समय जब वो किसी काम से वो अवधेश, अवध प्लस ईश अवधेश, दशरथ के घर गई, दशरथ के द्वार पे गई, द्वारे अवधेश के द्वारे, तो उन्होंने जो देखा उसका वर्णन वो कर रही है कि आज सुबह किसी काम से मैं अवधेश के द्वार पे गई तो मैंने देखा कि महाराज अपने सुत गोद गोद लिए हुए भूपति, राजा राजा अपने सुत यानी पुत्र को गोद में लिए हुए बाहर निकल रहे हैं। उस बालक को अवलोक हो सोच विमोचन को ठगी सी रही, उस बालक को जो समस्त प्रकार की सोचों का विमोचन करने वाले हैं, समस्त प्रकार के सोच से चिंता से लोगों को दूर करने वाले हैं, सोच विमोचन को ठगी सी रही, मैं ठगी सी देखती रह गई, मैं अपने आप को भूल गई, मेरी दृष्टि उस पर जा लगी, और जे न ठगे दिख से, और जो ऐसा न जो राम के रूप को देखे, और राम के रूप को देखने के बाद जो ठगा सा न रह जाए, जो देखता ही न रह जाए, जो अपनी सुधबुद भूल करके भगवान के रूप को निहारता ही न रह जाए, उसको धिक्कार है, दिख से उसको धिक्कार है। तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, उस रूप को देख करके वो बताते हैं कि वह बाल रूप मन रंजन, मन को रंजित करने वाला है, क्योंकि रंजित अंजन उसकी जो आँखें हैं वो
अंजन काजल से रची हुई है, सुखंजन जातक से और पक्षी खंजन खंजन पक्षी की आंखों को बहुत सुंदर माना गया है, बहुत आकर्षक माना गया है और उसकी उपमा सामान्यतः कई कवियों ने दी है। तो उसी उपमा का उपयोग करते हुए तुलसी कहते हैं कि उन आंखों का तो कहना ही क्या, इतनी सुंदर आंखें थीं कि मैं क्या बताऊं। वो तो एक छोटे से खंजन पक्षी के बच्चे की आंखें होती हैं, उस तरह से आंखें दिख रही थी। सजनी ससिमय समसील उभे नवनील सरोवरूह से निविकसे, हे सखी ये नयन ऐसे दिख रहे थे मानो चंद्रमा के भीतर दो समान गुण वाले नीले रंग के कमल खिले हों। आंखें दो नीले नीले कमल, राम का मुख चंद्रमा से उपमित, राम के मुख की उपमा चंद्रमा से करके और उसमें जो आंखों का उभार है, जो नीली नीली आंखें हैं राम की, वो सुंदर भी इतनी है कि वो जैसे दो नीले कमल खिले हुए हों चंद्रमा के अंदर। वैसे भी जो सबसे प्रसिद्ध नाम है वो है राजीव नयन। श्री राम के प्रसिद्ध नामों में एक नाम राजीव नयन भी बहुत प्रसिद्ध है। तो उन्हीं सुंदर आंखों का वर्णन करते हुए तुलसी एक सखी के माध्यम से, एक सखी जब दूसरी सखी को कुछ कह रही है उस माध्यम से भगवान राम के बाल रूप का बहुत मनोहारी वर्णन, भगवान राम के बाल्यकाल के रूप का बहुत सुंदर वर्णन तुलसी के द्वारा इसमें हमें दिखाई पड़ता है। आइए हम आज का दूसरा पद पढ़ने का प्रयास करते हैं, वह भी उसी बालीला से ही लिया गया है। पग नूपुर ओ पहुंची कर कंजन मंजु बनी मणिमाल लिए, नवनील कलेवर पीत जगा जल के पुल के नृप गोद लिए, अरविंद सो आनन रूप मरंद अनंदित लोचन भृंग पिए, मन में न बस्यो अब बाल कुजो तुलसी जग में पल कैसे जिए। वही भगवान राम का वही सुंदर रूप, और भगवान राम के सुंदर रूप के बारे में तुलसी कहते हैं कि उस भगवान राम के उस रूप में क्या क्या दिखता है, क्या क्या हमें महसूस होता है, ये देखिए। पग नूपुर ओ पहुंची कर, पैरों में नूपुर यानी कि पायल पहन रखी है, उस बालक राम के पैरों में घुंघरू शोभित हो रहे हैं। कर कंजनी, कर कंजनी यानी कि कमल जैसे सुंदर कमल रूपी हाथों में पहुंची पहन रखी है। पहुंची एक हाथ का गहना होता है जिसे बच्चों के हाथों में पहना दिया जाता है, कलाइयों में पहना दिया जाता है। मंजू बनी मणिमाल ही है हृदय के ऊपर, और मणियों की एक माला, सुंदर सी माला गले में लटक रही है जो हृदय को छू रही है। नवनील कलेवर पीत जगा, पीला पीला एक जबला या झिंगुली जो बच्चों को पहनाई जाती है, वो उनके नवनील कलेवर, वो उनके नए नए शुभ्र नए नए पवित्र नीले रंग पर बहुत खिल रहा है। जल के पुल के नृप गोद लिए, वह पीला जगा पीला जब्बा पीला झिंगुली उनके ऊपर लटक रही है, और उस सुंदर स्वरूप को, ऐसे भगवान राम के ऐसे सुंदर स्वरूप को, भगवान राम को गोद में लेकर के नृप यानी दशरथ राजा दशरथ पुलक से भरे हुए हैं। नृप गोद लिए, राजा दशरथ ने भगवान राम को, चूँकि अभी राम का बाल्यकाल है, उन भगवान राम को अपनी गोद में ले रखा है, भगवान राम के हाथों में पहुंची पहन रखी है, पैरों में नूपुर हैं और उनके पवित्र नीले रंग में या सांवले रंग के ऊपर पीला पीला जो एक जबला पहन रखा है वह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। अरविंद सो आनन रूप मरंद आनंदित लोचन भृंग पिए, अरविंद सो आनन, तुलसी कहते हैं कि उनके जो नेत्र रूपी भंवरे हैं
बालक राम के कमल के समान मुख के ऊपर नेत्ररूपी भंवरे ऐसे लगते हैं मानो कमल के फूल के ऊपर आकर के कुदो भंवरे उनके रस का पान कर रहे हों। अरविंद सो आननु, अरविंद मने कमल का फूल, आननु मने चेहरा मुख, अरविंद के समान उनका मुख है। रूप मरंद आनंदित लोचन भृंग पिए, लोचन भृंग लोचन आँखें, आँखों रूपी भंवरे, आँखें रूपी भंवरे कमल रूपी उनके मुख पर ऐसे विराजमान है मानो वो उनके रसपान कर रहे हों। दो भिन्न वस्तुएं हो गई, उसमें उपमा बताई जा रही है। एक तरफ कमल का कोई फूल जिसके ऊपर आकर के दो भंवरे उसका रसपान कर रहे हैं, ठीक वही चित्र तुलसी ने भगवान राम के मुख को और उस पर दो आँखों को वर्णित किया है। मन में न बस्यो अब बालक जो तुलसी जग में पल कैसे जिए, ये फल नहीं पल होगा। तुलसी कहते हैं कि ऐसे सुंदर रूप वाले बालक को जो देख ले और उस सुंदर रूप वाले बालक को देखने के बाद वह रूप अगर मन में न बसे तो भला बताओ वो इस संसार में एक पल भी कैसे जिएगा। तात्पर्य यह कि जो भी इस सुंदर रूप को देखेगा वह निश्चित रूप से उसका हो जाएगा, उस रूप को देख करके मुग्ध हो जाएगा, राम की भक्ति में राम के प्रति स्नेह में अपने आप को डुबो देगा, आप्लावित कर देगा और अंततः स्थिति यह बन जाएगी कि वह जो व्यक्ति तुलसी कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान राम में डूबेगा वह जिंदा रहेगा और जो उस रूप को देखने के बाद एक बार भी ठगा सा न रह जाए, जिसके मन में एक बार भी प्रेम उसके जिसके मन में एक बार भी स्नेह आदि न आ जाए, आप बताइए भला वो किस काम का, एक पल भी वो जिंदा कैसे रहता है। तुलसी को इस बात का भी आश्चर्य होता है। तात्पर्य यह है कि जो एक बार देख लेगा उन्हें वह निश्चित रूप से, तुलसी कहते हैं कि राम में के रूप माधुर्य में मंत्रमुग्ध होकर रहेगा। स्पष्ट है कि इसमें भगवान राम के इन दोनों पदों में तुलसी ने बाल्यकाल का वर्णन किया है। सांवले सलोने राम, जैसा कि प्रसिद्ध है कि भगवान राम भगवान कृष्ण सांवले थे, तो यहाँ पर भी पीला जगा और नील कलेवर आदि द्वारा और भगवान राम के चेहरे को अरविंद के समान कमल के समान बता करके भी उनकी सुंदरता का यशोगान किया गया है। धन्यवाद।